सीएम योगी अपने गृह जनपद गोरखपुर में बीते कई वर्षों से होलिका दहन व भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होते चले आ रहे हैं। इस बार भी सीएम योगी गोरखपुर में दो शोभा यात्राओं में शामिल होंगे। आज शाम 4 बजे पांडेहाता चौराहे से होलिका दहन यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। श्रद्धालुओं के साथ फूलों से होली भी खेलेंगे। यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां और बैंड भी शामिल होंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और कल वे गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे, जबकि बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और श्री होलिका उत्सव समिति महानगर परंपरागत रूप से निकाले जाने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सुबह 8:30 बजे शामिल होंगे। यह यात्रा घंटाघर से निकलेगी। अबीर गुलाल और रंगों के बीच शोभा यात्रा को घंटाघर से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। होलिका दहन उत्सव समिति के उपाध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी और गोरखपुर के एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। क्या पद है आपका? विनोद कुमार चौधरी, मैं होलिका दहन उत्सव समिति में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। 6 मार्च को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, होलिका दहन कार्यक्रम में क्या तैयारी है? तैयारी सर बहुत जोरों से चल रही है। तैयारी में उनके भव्य स्वागत के लिए तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं, जैसे ढोल नगाड़े के साथ उनकी स्वागत की जाएगी, संघ की ध्वनि के साथ महाराज जी का आगमन मंच पर होगा और तमाम परंपरागत ढंग से जो कार्यक्रम चलता है, महाराज जी अपना आशीष वचन देंगे सभी जनता जनार्दन को। कितने साल से ये कार्यक्रम आपका चल रहा है? यह कार्यक्रम 1927 से स्टार्ट हुआ और आज तक चलता आ रहा है। जुलूस भी कोई निकलता है? जी हाँ, शोभा यात्रा यहाँ भगवान भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा की झांकियाँ होती हैं, इसमें तमाम तरह की झांकियाँ होती हैं, शिव पार्वती राधे कृष्ण तमाम और अन्य देवी देवता जैसे काली माँ दुर्गा माँ तमाम झांकियाँ लगती हैं। किस तरीके से यहाँ पे होली खेला जाता है, अबीर गुलाल से या फूलों से? बताया जाता है कि फूलों से महाराज जी को होली खेलते हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ होली महाराज जी रथ पर जाते हैं, वहाँ भक्त प्रहलाद की आरती होती है और आरती के बाद वहीं रथ से महाराज जी फूलों की होली की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। होली फूलों की होली के बाद तुरंत रंग और गुलाल की होली होती है। रंग का प्रयोग नहीं होता है, अबीर गुलाल का प्रयोग होता है और कोशिश यह रहता है कि वह सभी हर्बल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के होलिका दहन है, उसके बाद में दो बार यहाँ पे आना होगा। उनके आगमन को देखकर सारी रूफटॉप की स्टडी एवं उसके दौरान जितना भी भ्रमण वगैरह का जो कार्यक्रम है उसके सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये आज का रूट मार्च एक तरीके से किया गया है। सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है और इसी के आधार पर बाकी की जितने भी पुलिस का डिप्लोमेंट फोर्स वगैरह पैटर्न वगैरह स्टडी किया जा रहा है, इसी के मद्देनज़र भ्रमण किया गया है। अभी इसकी सारी तैयारियाँ हैं, वो इनिशियल स्टेज पर हैं। जैसे जिस पूरा डिटेल प्रोग्राम होगा आपको बताया जाएगा। थैंक यू।